हेलो दोस्तों, मैं माला चटर्जी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ चिकन करी अपने स्टाइल में। देख लीजिए, ये मैंने हाफ किलो चिकन लिया हुआ है, ठीक है। इसको मैंने धो के साफ़ करके रख दिया है और इसमें आएगा ये इन्ग्रीडियंट्स, दो प्याज जाएगा, डेढ़ टमाटर जाएगा। अगर आपको खट्टा ज़्यादा है, पसंद है, तो आप और थोड़ा सा दे सकते, एक से एक दे सकते हैं, लेकिन मेरा खट्टा ज़्यादा पसंद नहीं है। तो ये कड़ी पत्ता दूंगी, इसमें है हरी मिर्च, अदरक और जिंजर का इसको कूट के ले लिया है मैंने। और ये गरम मसाले जाएंगे, सब की गरम मसाले नहीं, ये है ये सौंफ और ये जीरा है, ये सौंफ है, और ये गोलमरीच है, और ये है दालचीनी, ये छोटी इलायची, ये है नारियल का भूरा नारियल को सूखा नारियल, और मुझे देना था गीला नारियल, लेकिन इस समय मेरे पर अवेलेबल नहीं है, तो मैंने सूखा नारियल ही दे रही हूँ। सूखा नारियल भी चल जाता है। तो इसको मैंने पहले एक चम्मच खाली तेल से इसको भूनना है। इस सारे इंग्रेडिएंट्स को मुझे एक चम्मच से भूनना है। ये देखिए, चार इलायची दी है मैंने, एक दालचीनी का टुकड़ा दिया है बड़ा सा, और उसके बाद जीरा जाएगा, इसके बाद सौंफ जाएगा, सब खा दिया चम्मच, उसके बाद ये जाएगा गोल मिर्च। इसको मैं पहले चला दूंगी अच्छी तरह से, थोड़ा सा पक जाए, इसके बाद कड़ी पत्ता, प्याज, और इसको देखिए मैंने पीस लिया है, ये है वो जीरा, सौंफ और वो गोल मिर्च और दालचीनी और हरी इलायची और नारियल का बोरा, इस सबको मैंने थोड़ा सा तेल में फ्राई करके उसको भून के रख दिया। अब ये थोड़ा फ्राई हो जाए, उसके बाद मैं आ रही हूँ। ये मेरा लहसुन, अदरक कूटा हुआ जाएगा, थोड़ा सा और भी मिर्ची ले जाएगी, ये मैं टमाटर ले रही हूँ, नमक स्वाद अनुसार नमक जाएगा, और हल्दी पाउडर,
बस ये धनिया पाउडर, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर दे रही हूँ मैं, एक चम्मच। अब इसको मुझे अच्छी तरह से फ्राई करना है। थोड़ी देर बाद ना ये देखिए तेल छोड़ दिया है, चारों तरफ से तेल आ रहा है। अब मैं इसे दे दूँगी। बीस मिनट तक को भून के उसके बाद कवर करना है। अब ये मसाला वाला पानी में दे दूँगी। फिर मसाला वाला पानी मैं इसका बर्तन रख दूंगी। चिकन करी।